प्रदेश सरकार द्वारा आम बजट पेश किए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट से संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास ही नहीं होगा बल्कि प्रदेश में रहने वाले किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, बच्चों, मजदूरों आदि का भी चतुर्दिक सर्वांगीण विकास होगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के वित्त मंत्री ने गांव से लेकर टाउन एरिया, नगर के साथ ही साथ पूरे प्रदेश के विकास का खाका प्रस्तुत किया है। गांव में जहां सरकार ने स्टेडियम बनाने के लिए ऐलान किया है, वहीं पर महिला सशक्तिकरण, कुपोषित बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक विकास के लिए भी ध्यान रखा है। अमृत मिशन जलापूर्ति योजना के तहत सरकार ने जन जन तक पेयजल पहुंचाने की घोषणा की है। आवास विहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने आवास देने की घोषणा की है। वहीं पर 2022 तक सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए योजना को प्रस्तुत किया है। मेट्रो हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने बजट दिया है, जिससे पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का और अधिक विकास होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा कि बजट पूरी तरह संतुलित है और इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि गाँव, गरीब, जनता, किसानों के लिए बजट में पूरी व्यवस्था की गई है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए बजट में भरपूर धनराशि दी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित अन्य योजनाओं के लिए भरपूर बजट पारित किया गया है, जिससे प्रदेश का भरपूर विकास होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता इरफान अहमद, पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सभी वर्गों के हित में है। विशेष रूप से किसान, मेडिकल, शिक्षा एवं सैनिक स्कूल खोलने के लिए शहर में ये बजट पेश किया गया है और ये बजट प्रदेश की जनता के हित में है और विशेष रूप से छोटे तबके को भी इसको ध्यान में रखकर चला गया है। और साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का जो मामला चल रहा था, लंबे समय तक चला है, उसको निशुल्क टीकाकरण की बात सरकार ने रखी है, जो सराहनीय है और प्रदेश की जनता के हित में है। हम सरकार के इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन एवं स्वागत करते हैं। किसानों के लिए भी तो सरकार ने किया। हाँ, किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं बजट में, जिससे किसानों का भी भला होगा और उनका भी उत्थान होगा, विकास होगा। पूज्य योगी जी की सरकार की ये इस कार्यकाल की जो अंतिम बजट है, आप देखें इसमें सब कुछ है, गांव, गरीब, किसान। पूरे बजट पे आप ध्यान दें तो एक कीर्तिमान ये स्थापित किया गया है कि पेपरलेस बजट पास किया गया है और फिर महिला सशक्तिकरण के लिए 32 करोड़ रुपया, माध्यमिक शिक्षा के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए, यानी हर क्षेत्र को इसमें छूने का प्रयास किया गया है। वाराणसी और गोरखपुर का जो मेट्रो परियोजना है उस पर भी दृष्टि डाली गई है, यानी विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जो ये बजट में प्रावधान है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो 5 वर्षों का पूरा आकलन जब किया जाएगा तो आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह ऐसी सरकार है जिसने सभी वर्ग को छूने के साथ साथ और विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करके और जो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आप देखिए कि अपने कार्यक्रमों के तहत ही और जितना भी योजनाओं को लेकर के, यानी हम केवल बात करने में विश्वास नहीं रखते, करने में भी रखते हैं और जो कहा वो किया, यानी जो कहा सो किया, इस परिकल्पना के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की ये सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जनता से सीधे, यानी गांव, गरीब और किसान की जो मैंने बात की है, यानी निचले तबके से लेकर के, यानी उनको राशन पानी से लेकर के कोई भी व्यवस्था निश्चित तौर पे आप देखिए उसको लाभान्वित हुए हैं और जनता पूरा प्रसन्न है और आने वाले दिनों में इसका लाभ निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश का आज बजट रहे, पूज्य महाराज जी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के हम दिल से धन्यवाद दें कि अद्भुत शानदार था। इस बजट में गांव, हृदय, गरीब, किसान, गुरबा, महिला, युवा, स्टूडेंट,
विद्यार्थी, इंडस्ट्रीज, अपॉर्चुनिटीज, अयोध्या, गोरखपुर के लिए एक्सप्रेस वे, लाइट मेट्रो ट्रेन, एवरीथिंग, जहां बोलिए, एक कहते हैं ना, एक प्रदेश को बड़ा, और इतना बड़ा प्रदेश जो अपने आप में एक देश है, उसको बढ़ाने के लिए इतना सोचा समझा, वेल प्लान्ड बजट। मैं दिल से महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं। क्या सोच, अद्भुत सोच, एंड ये टेक ऑफ होगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो पूरे दुनिया की, पूरे देश की नजर है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अलग ऊंचाई पे। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से, आपकी लीडरशिप में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को लेके आप जैसे चल रहे हैं, और उसमें सारे लोग, खासकर किसान भाइयों के लिए, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, ये बहुत शानदार बजट है। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के, हमारे गोरखपुर के खास, जहां पे इतनी बड़ी सौगात मिला, लाइक लाइट ट्रेन के हिसाब से पूर्वांचल एक्सप्रेस के उसका बजट जो पारित हुआ, मैं उसके लिए अयोध्या वासियों को, लखनऊ से सब लोगों को, इंटायर उत्तर प्रदेश को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार बजट, शानदार बजट। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट दिया है, उसमें किसानों के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे सिंचाई की पूरी सुविधा उन्होंने देने का काम किया है। वैसे भी किसान के लिए पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत कुछ की है, 36,000 करोड़ रुपए तक का ऋण माफी भी किया था। अब इधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी के लिए भी बहुत कुछ रखा है, जैसे सड़कों के निर्माण के लिए, मेट्रो के लिए, पर्यटन के लिए। इसे उत्तर प्रदेश की तरफ अन्य लोगों का आकर्षण आने का बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि, मैं समझता हूँ कि काफ़ी विकास का बजट है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है। बजट की सबको सराहना करनी चाहिए, क्योंकि बजट है ही ऐसा कि इतने बड़े प्रदेश में इस तरह से सबको साधते हुए बजट जो दिया गया है, वह एक सराहनीय काम है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के क्या राय है? कोविड वैक्सीनेशन तो अभी निश्चित उन लोगों का वो हो रहा है जो कोरोना वॉरियर्स हैं। उसके बाद की स्थिति में जैसे जैसे केंद्र सरकार तय करेगी, कोविड वैक्सीनेशन उस प्रकार से चलेगा, उसमें हर राज्यों में कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, अन्य लोग हैं, उनको चल रहा है और ठीक चल रहा है। बजट में भी कोरोना को लेकर के फ्री वैक्सीनेशन की बात की? नहीं, तो बजट में तो स्वाभाविक रूप से अपना वो देंगे, काफ़ी लोगों को तो मुफ्त में चल रहा है, और लोग, और जब पूरी तौर पर उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसके लिए बिक्री का भी होगा। भारत सरकार तो अन्य देशों में भी भेज रही, सहायतार्थ भी भेज रही है, और उसके साथ साथ अपना मुद्रा के लिए भी भेज रही है।